स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड टॉपिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी। इससे पहले एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने जितना भी पढ़ा उसका रिलेशन ब्रिटेन से था, जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंड लेबर, लाइफ ऑफ वर्कर्स एंड स्पीडिंग जेनी। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया। अब इस टॉपिक के अंदर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्रीज के आने से पहले भी इंडिया में सिल्क एंड कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता था। बहुत सारी कंट्री जो थी कपड़ों का प्रोडक्शन करती थी, बट द फाइन वेराइटी केम फ्रॉम इंडिया। कम हेयर, नोट डाउन द क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट, कनेक्टेड टू इंडिया गल्फ एंड रेड सी। मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल, लिंक विद द साउथर्न एशियन पोर्ट्स। कम टू द नेक्स्ट, नोट डाउन द क्वेश्चन, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर्स हेल्प इन एक्सपोर्ट टू ट्रेड। इंडियन मर्चेंट और बैंकर कैसे जो थे इंडियन ट्रेड को हेल्प कर रहे थे? तो फर्स्ट फिनांसिंग प्रोडक्शन, सेकेंड कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्टर, थर्ड सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन, फोर्थ गिव एडवांस टू वीवर्स एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, नोट डाउन द क्वेश्चन, पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, एक्सप्लेन। कॉमा में बंद करके एक्सप्लेन। ओवर करके एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट लेड टू राइज ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता पोर्ट इन द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन। क्या कारण था कि सूरत और हुगली जो था पोर्ट, वो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो स्टार्ट हो गया? तो इसका फर्स्ट रीजन है, यूरोपीय कंपनी ग्रेजुअली गेन्ड पावर। यूरोपीय कंपनियाँ जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर इंडिया में गेन कर रही थी, फर्स्ट सिक्योरिंग द वेराइटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट, उन्होंने लोकल राज दरबारों से कंसेशन लेना स्टार्ट कर दिया। दैन द मोनोपोली राइट टू ट्रेड, और अपने व्यापार पर धीरे धीरे एकाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। सूरत एंड हुगली ऑपरेटेड बाय द लोकल मर्चेंट, सूरत और हुगली को ऑपरेट करते थे लोकल मर्चेंट, ये भी एक रीज़न था। दीज पोर्ट फेल ड्रामेटिकली, इस रीजन का वजह से एक्सपोर्ट जो था वो ड्रामेटिकली फेल हुआ। नेक्स्ट, द लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट, ये भी एक रीज़न था। इसी वजह से जो 16 मिलियन जो यहाँ से व्यापार हो रहा था वो घट करके 3 मिलियन रुपए का हो गया। इसका नेक्स्ट रीज़न है बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रो, बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट जो था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, इसी वजह से सूरत एंड हुगली डिक्लाइन कर रहा था। नेक्स्ट था द न्यू पोर्ट केम टू कंट्रोल बाय द यूरोपियन कंपनी एंड कैरिड इन द यूरोपियन शिप, इसी वजह से जो था वो बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट जो था वो जल्दी ग्रो किया, जबकि हुगली और सूरत डिक्लाइन करने लगे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड टू बीवर्स, बुनकरों के साथ क्या हुआ। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो जो बुनकर हाथ से बुनकर के अपना को सर्वाइव करते थे, उन बुनकरों के साथ क्या हुआ? एवरीबडी नोज ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1612 में सबसे पहली कंपनी इंडिया में सूरत में एस्टेब्लिश हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 18 सेंचुरी तक आते आते अपने आप को बहुत स्टेबल कर ली, पॉलिटिकली जो है उसने बहुत पावर गेन कर लिया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, द फ्रेंच डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ डिफ़िकल्टी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड डिफ़िकल्ट किस वजह से, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो इसको कौन कंपटीशन दे रहा था, तो द फ्रेंच डच पुर्तगीज एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कंपटीशन दे रही थी। वीवर्स भी जो थे वो बार्गेनिंग करते थे और अच्छे बायर्स को अपने सामानों को दे देते थे, तो जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही प्रॉब्लम आता था। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए उसने क्या किया, उसने स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ स्टेप लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो नोट डाउन द क्वेश्चन कि हाउ डिड द ब्रिटिश स्टैब्लिश अ मोनोपोली इन कॉटन एंड सिल्क ट्रेड,
और करके एक और क्वेश्चन लिखिए, व्हाट स्टेप वर टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंट्रोल द मार्केट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इंडिया के कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टेबलिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। तो फर्स्ट स्टेप, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलिश द पॉलिटिकल पावर। सेकेंड, मोनोपोली राइट टू ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली राइट भी ले लिया व्यापार करने के लिए। फिर इसके बाद है डेवलप द सिस्टम। उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, क्या सिस्टम था, एलिमिनेट द कंपटीशन। पूरा मैनेजमेंट जो था अपने हाथ में ले लिया और कंपटीशन को उसने निकाल दिया। कंट्रोल कॉस्ट, उसने कॉस्ट को भी अपने हाथ में देख लिया, इस सामान का कितना दाम होगा वो खुद फिक्स करता था। इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड गुड सिल्क गुड, इसके लिए उसने ना कुछ अपनी तरफ से गवर्नमेंट पेड सर्वेंट अपॉइंट किए ताकि इस रेगुलर सप्लाई हो सके। ये सारे जो सीरीज था ये स्टेप बाय स्टेप किया, एक बाइक नहीं किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये इस नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का, आप लोग पहले लिख लीजिए, हु वॉज गोमास्ता। गोमास्ता कौन था, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया कि वो एक पेड सर्वेंट रखता था रेगुलर सप्लाई के लिए। तो हु वॉज गोमास्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमास्ता। गोमास्ता क्या काम करता था, सुपरवाइज बीवर्स, कॉलेक्ट सप्लाई, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गोमास्ता, गिव 3 रीजन। जब ये गोमास्ता अपॉइंट हुए तो धीरे धीरे जो वीवर्स थे इनके साथ इनका क्लैश होने लगा। क्यों क्लैश होने लगा, क्योंकि गोमास्ता से पहले जो वीवर्स थे, अर्लियर सप्लाई मर्चेंट हैज लिव्ड विद इन द वेविंग। जो वीवर्स को मर्चेंट लोग पहले हेल्प करते थे रॉ मटेरियल के लिए या उनके क्राइसिस में, वो लोग उसी गांव के रहने वाले होते थे एंड हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स। उन पुराने मर्चेंट का इन वीवर्स से बहुत अच्छा रिलेशन होता था, इसी वजह से वीवर्स जो था उनकी हेल्प लेते थे। लेकिन जब ये न्यू गोमास्ता आया तो गोमास्ता से वीवर्स का क्लैश क्यों होने लगा, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, हाउ वर दिस क्लैश बिटवीन गोमास्ता एंड वीवर्स लेटर ऑन, क्यों होने लगा ये क्लैश। तो फर्स्ट पॉइंट, न्यू गोमास्ता वर आउटसाइडर, न्यू गोमास्ता वर आउटसाइडर, ये गोमास्ता जो थे आउटसाइडर थे। नो सोशल लिंक विद द विलेज, गांव से इनका कोई सोशल लिंक नहीं था और ये बहुत ही एरोगेंट हुआ करते थे, अब सिपाही के साथ बहुत तन करके गांव में आते थे और कभी कभी ये वीवर्स को पनिश भी करते थे, क्योंकि मान लेते हैं कि बीबर्स ने कपड़े बुनने में डिले कर दिया तो वो उसे बीटिंग एंड फॉगिंग दे, उन्हें मारा भी करते थे। और बीवर्स लॉस द स्पेस ऑफ बार्गेनिंग, इस गोमास्ता से एक बार लिंक हो जाने के बाद जो बीवर्स होते थे वो बार्गेनिंग करने की कंडीशन में नहीं रह जाते थे और ना ही सेल टू द डिफरेंट बायर्स, ना ही अपने सामानों को किसी दूसरे बायर्स को बेच सकते थे, क्योंकि गोमास्ता जो था वो प्राइस फिक्स कर देता था, कंपनी की तरफ से प्राइस फिक्स होता था और फिर वो कम जो प्राइस होता था वो काफ़ी कम होता था एंड द लोन दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। एक बार जब बीवर्स इस लोन को ले लेता था तो कंपनी के साथ वो बंध जाता था, ना तो वो दूसरे बायर्स को अपना सामान बेच पाता था और ना ही बार्गेनिंग कर पाता था। तो इसी वजह से बहुत सारे बीवर्स ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से बीवर्स का गोमास्ता से क्लैश भी हुआ। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, बीवर्स जो थे उनका जो गोमास्ता से क्लैश हो जाने के बाद अब वो क्या करते थे, कर्नाटिक एंड बंगाल्स बीवर वो माइग्रेट करने लग गए और अपने लूम के साथ, और कहाँ किस गांव में, अदर विलेज वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, जहाँ उस गांव में जाने लगे जहाँ उनके कुछ अपने फैमिली रिलेशन होंगे। तो इस तरह से, और फिर इसके बाद ओवर टाइम मेनी बीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन, बहुत सारे बीवर्स ने क्या किया कि बीवर्स ने लोन लेने से मना कर दिया, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप, बुनाई करनी ही छोड़ दी और फिर वापस जो है अब एग्रीकल्चर लेबर में आ गए। तो इस तरह से जो बुनकर थे उनका गुमास्ता से क्लैश हुआ और क्लैश होने के बाद बहुत सारे बीवर्स जो थे वो माइग्रेट करने लग गए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब हम लोग मैनचेस्टर पहुंच रहे हैं। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया कैसे आए? 1772 में हेनरी पेटुले एक कंपनी ऑफिसर थे, वो क्या बोलते हैं, सेल डिमांड फॉर द इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस। कभी भी इंडियन टेक्सटाइल जो है उसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड ऑफ द सेम क्वालिटी। इस तरह के सामान कोई भी देश बना नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन, जब कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल ग्रुप बिगेन वरिंग अबाउट द इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। जब इंडस्ट्रियल जो ग्रुप थे वो चिंतित होने लगे कि दूसरे देश से भी सामान आ रहा है, तो हम उन सामानों से कैसे कॉम्पिटिशन करेंगे। तो दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी। तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि दूसरे देशों से जो सामान आ रहा है उस पर आप इम्पोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स बढ़ा दीजिए। तो फिर क्या होगा, मैनचेस्टर गुड्स गुड सेल, मैनचेस्टर का बना हुआ सामान सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन। यानी दूसरे देश का सामान महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और मैनचेस्टर में बना हुआ सामान आराम से ब्रिटेन में बिना किसी कॉम्पिटिशन के बेच सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड इंक्रीज ड्रामेटिकली अर्ली 19th सेंचुरी। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश के कॉटन गुड्स जो थे बहुत तेज़ गति से इंडिया में एक्सपोर्ट होने लग गए इन अर्ली 19th सेंचुरी तक। इसका असर जो था कॉटन वीवर्स के ऊपर पड़ा, और कॉटन वीवर्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किए। तो आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वॉट प्रॉब्लम डिड द कॉटन वीवर्स फेस इन इंडिया? द कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस टू मेन प्रॉब्लम इन सेम टाइम। क्या प्रॉब्लम था? फर्स्ट, एक्सपोर्ट मार्केट कॉलेप्स, उनका एक्सपोर्ट मार्केट कॉलेप्स हो गया। लोकल मार्केट श्रैंक। फिर इसके बाद है बिंग ग्लटेड विद द मैनचेस्टर इम्पोर्ट, जो मार्केट था वो मैनचेस्टर के सामानों से भर गया था। फिर मैनचेस्टर के इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर सो चीप, ये सस्ते होते थे, और वीवर्स कुड नॉट ईजली कम्पीट विद दैम, क्योंकि हाथ से बने हुए सामान महंगे और मशीन से बने हुए सामान सस्ते होते हैं, इसलिए वीवर्स जो था उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तो इंडिया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी डिक्लाइन करने लगी। 1860 तक आते आते जो वीवर्स थे एक नई प्रॉब्लम फेस करने लग गए। वो कौन सी प्रॉब्लम थी? दे कुड नॉट गेट अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड्स क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसी वक्त अमेरिका में सिविल वॉर ब्रुक आउट हो गया। कॉटन सप्लाई फ्रॉम यूएस वर कट ऑफ। अमेरिका से, अमेरिका जो ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करता था उसने बंद कर दिया। नाउ ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अब ब्रिटेन रॉ मटेरियल के लिए इंडिया पर डिपेंड होने लगा। रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अब इंडिया से जब एक्सपोर्ट होने लगेगा तो उसका दाम क्या हो गया, इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन। अब बीवर्स जो लोग थे उन लोग को महंगे दामों में कॉटन खरीदना पड़ता था, और इसी वजह से जो थे उन लोगों ने बेविंग करना धीरे धीरे बंद कर दिया था। बाई द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वीवर्स एंड द अदर क्राफ्ट पीपल फेस्ड अनदर प्रॉब्लम। 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन एक दूसरी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ये प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्री इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन्स गुड्स। इस समय तक आते आते इंडिया में खुद ही कॉटन मिल्स स्टैब्लिश हो गई, जैसे कि अहमदाबाद बॉम्बे में कॉटन मिल स्टैब्लिश हो गई, और इन इंडिया में ही बने हुए कॉटन मिल से के सामान जो है इंडियन मार्केट में आने लग गए, और ये प्रॉब्लम हमारे इंडियन टेक्सटाइल जो वीवर्स थे, कॉटन वीवर्स थे, उन्होंने फेस किया। आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे सभी लोग। स्टे होम एंड सेफ।